हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 13 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है वरियान और करण है बव। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो इंदिरा एकादशी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आप जो कुछ भी कहें बहुत ही सोच समझ करके कहें, क्योंकि ऐसा लग रहा है ग्रहों के योग से कि आपकी बात से कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, किसी के दिल पर चोट लग सकती है। ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको उद्योगों से काफ़ी अच्छा फायदा होने की उम्मीद बनती है। आज आपका कोई मित्र आपसे सहायता मांगने आ सकता है। श्री विश्वनाथाष्टकम का पाठ करें और नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप आज बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश की प्राप्ति होगी। श्री वैद्यनाथाष्टकम का पाठ करें और मध्य रात्रि में स्नान करने से आप बचें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बॉस आज आपको प्रमोशन देने के बारे में विचार बना सकते हैं। गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई बड़ा खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकता है। आज आपके साथी को आपके साथ की आवश्यकता होगी। शिवाष्टकम का पाठ करें और बिना स्नान किए तिलक धारण करने से आप बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा वालों को अच्छा लाभ मिलने के अवसर आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ करें और भोजन के बाद स्नान करने से आप बचें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी बदलने का ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज अपने व्यापारिक सहयोगी के साथ आपको हिसाब किताब लेन देन की बातें करनी पड़ सकती हैं। ओम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बिना सोचे समझे नया एग्रीमेंट करने से आप बचें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा से लाभ मिलेगा। जितना हो सके आपको इस दौरान बचत करना चाहिए। सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें और काम में लापरवाही किसी भी तरीके की आप न करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए शरीर में थकान बनी रहेगी, धनहानि हो सकती है या फिर कोई अनावश्यक खर्च आपके ऊपर आ सकता है। सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़ों की बात को आप दिल पर बिल्कुल न लगाएं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दोस्त के सहयोग से आप हर मुसीबत का आसानी से सामना आज कर सकेंगे। सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें और ज़्यादा बाहर का भोजन करने से आपको बचना होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से समय अच्छा कहा जा सकता है। किसी बात पर आज आपको गुस्सा बहुत आएगा तो अपने क्रोध को आपको नियंत्रित रखना होगा। श्री विनायक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें और सोते हुए व्यक्ति की नींद में आप विघ्न बिल्कुल न डालें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विरोधियों पर आपको विजय प्राप्त होगी। परिवार में कलह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बलानाम बुद्धि प्रदाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें और आत्मविश्वास में आपको कमी नहीं करनी चाहिए और अति आत्मविश्वास से आपको बचना जरूर चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्राद्ध करते समय किन खास बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जान लेते हैं। धार्मिक दृष्टि से हर परंपरा, उत्सव, पर्व और व्रत उपवास के शुभ फल तभी मिलते हैं जब उनसे संबंधित शास्त्रों में बताए गए विधि विधान और नियम का सही तरीके से पालन किया जाए। इसी कड़ी में श्राद्ध पक्ष में पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ विशेष वस्तुओं और सामग्री का उपयोग जो है हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया, यानी कुछ चीज़ों का प्रयोग करने से मना किया गया है। तो उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध में 7 पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हैं वो गंगाजल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, दौहित्र, कुश और तिल। ये 7 पदार्थ जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। सोने, चांदी, कासे और तांबे के पात्र जो हैं वो बहुत उत्तम माने गए। इनके अभाव में पत्ते के बने हुए पत्तल का प्रयोग किया जा सकता है।
केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन कराना निषेध बताया गया। केले के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराने के लिए। रेशमी वस्त्र, कंबल, ऊनी वस्त्र, लकड़ी, तृण, पर्श, कुश आदि से बने हुए आसन बहुत ही शुभ माने गए हैं। आसन में लोहा किसी भी प्रकार से प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लोहे की गद्दी, लोहे की सीट, लोहे की टेबल, लोहे की चेयर का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुलथी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काली उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र भोजन या अन्न श्राद्ध में बिल्कुल ही निषेध बताए गए हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्रों से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो आप लोगों को निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।